अच्छा क्या सोच समझ के दिया आपने? बदलती सरकार ही बढ़िया रहा है जी। अच्छा बदलती सरकार, हाँ जी जल्दी। हाँ फिर आपने कांग्रेस को वोट दिया? कांग्रेस को वोट भाई हरियाणा बुरा हाल कर रखा है खट्टर ने। अच्छा अच्छा खट्टर के खिलाफ दिया है फिर मोदी के खिलाफ? ना मोदी के खिलाफ खट्टर हरियाणा वाला चाहिए यार कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एनडी हरियाणा पर। आज इस चुनाव पर्व पर मैं भी वोट डालने के लिए पहुँचा हूँ और अपने ही गांव में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। फ़िलहाल मैं ज़्यादा आज घूम नहीं पाया क्योंकि आज वोटिंग हो रही है पूरे हरियाणा में। तो फ़िलहाल इस गांव में मैं इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाने का पर्पज़ है क्योंकि मैंने देखा अब यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, पर देखते हैं पता करेंगे। तो पानीपत लोकसभा के क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। गांव जलमाना पड़ता है, एक करनाल में पड़ता है, एक यहाँ पानीपत में पड़ता है जलमाना गाँव। और इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार इस गाँव का माहौल क्या रहा है। फ़िलहाल मैं इनसे बातचीत करूँगा और काफ़ी जो है 80-85% जो वोट पड़ चुके हैं और कुछ शाम को आएँगे और बातचीत कर लेंगे थोड़ा सा। मैं भी वोट डाल के आऊँगा और आप सोच रहे होंगे किसकी वोट डाल के आऊँगा। अभी डाल लूँगा जब मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा सा, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा मैं किसकी वोट डाल के आया हूँ। फिलहाल मेरे हाथ में ये पर्ची है और मेरे पास एक आईडी प्रूफ कार्ड है। फिलहाल इनसे बातचीत कर लेंगे ये जो पर्ची बना रहे हैं आज। अच्छा जी कैसा रहा आज का प्रोग्राम? क्या नाम है जी आपका पहले? जगदीश जी। जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जी क्या क्या कुछ माहौल रहा है, कितनी लोगों ने वोट किया सबसे पहले ये बताओ। यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया गाँव? बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरा गांव एक बहुत एक आड़ का गांव है, बहुत खुशहाल गांव है। अच्छा जी। बड़ा शक्तिशाली गांव है। हाँ जी, हाँ जी। गांव जलमाना बहुत शक्तिशाली है पूरे हरियाणा के अंदर। इस गांव के अंदर सबसे बड़ी तो एक चीज है एकता, सबसे बड़ी चीज एक एकता। इलेक्शन है मेरे गाँव के अंदर, चाहे सरपंच जी का हो, चाहे MLA का हो, चाहे MP का हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा भी अभी मैं हो गया थोड़ा सा बूढ़ा हो गया और मैं बूढ़ा होने के बाद मैंने पहले भी देखा है मेरे गांव के अंदर, जैसे मैं वोट गिरने आता था करनाल से, भाई मेरे गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा सरपंच में भी नहीं होया, किसी भी पंचायत में आज तक होया नहीं, ना MLA के इलेक्शन में होया। अच्छा आप तो करनाल में ड्यूटी करी है? हाँ करनाल में ड्यूटी करी है मैंने और मैं 22 साल से ही मैंने वहाँ नौकरी करी है। मैं बिजली विभाग से रिटायर हो रहा। अच्छा बीजेपी कार्यकाल में थे आप? बिजली कार्यकाल। अच्छा बीजेपी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता? बीजेपी का कार्यकर्ता तो मैं, मेरा पुराना प्यार है, कोई मेरा घर है। अच्छा, मनोहरलाल खट्टर के साथ मेरा बहुत नज़दीकी घर है, मेरा प्यार है, मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे पिताजी के समान है। इसको मैं कितना प्यार दूँ इसने ये नहीं पता था भाई, ये जलमाने का, ये मेरे को करनाल का ही समझता था। अच्छा ये यहाँ आया रोड शो था, मुख्यमंत्री ने मेरे को देखकर हौसला ला गया बहुत अच्छा, मैंने मुख्यमंत्री जी को माला रैली और बड़ा स्वागत। मैं इसको 5 साल पहले बुलंदा मैंने सोचा नुकाएंगे पुण्य का तो इतना लैंड लोड हो गया। हाँ और ये बिजली वाला में आ रही है मुख्यमंत्री बुला रहा भाई, मेरा तो बहुत ही इससे बड़े अच्छे मेरा। अच्छा ये बताओ, मेरी बात तो सुनो जी, आप अपनी ना सुनो, मेरी भी सुन लो थोड़ी सी। बोल बोल। अच्छा ये बताओ आप यहाँ पे मैंने देखा है बीजेपी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, इस तरफ है कहीं साइड में? यहाँ एक ही बूथ है। हाँ। मैंने नहीं पता यहाँ कांग्रेस का कौन है कौन। हाँ। यहाँ तो ये बच्चे काम कर रहे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कुछ और बात थी, यहीं में मार खा गया। जेई बने होते बिजली पे, मैं यहीं मार खा गया, मेरे पे पढ़ाई लिखना नहीं आया। अच्छा ये बताओ यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं, बुद्धि राजा है, बीजेपी से खट्टर साहब है और बहुत सारे हैं, क्या मानते हैं कितने परसेंट किसको वोट गया अपने गांव से? मेरे गांव से मैं दावा करता हूँ आदरणीय एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सच सच बोलना आपने, सच ये कति सच्चाई बात है, यहाँ से तो मुख्यमंत्री की जीत होकर जाएगी इस गांव से, इस गांव से, इस गांव से पक्का दावा, पक्का पक्का दावा है मेरा ये। लेकिन कह रहे हैं कि भी हरियाणा के जो करनाल में बुद्धि राजा का काफी खराब, बुद्धि राजा का नहीं, वहाँ से भी मनोहर लाल खट्टर जीतेगा, करनाल से भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ वहाँ से भी मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जीतेंगे करनाल लोकसभा, मतलब करनाल लोकसभा से मेरा दावा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इतने ईमानदार, सब उन्हें अपने कपड़े का दाग नहीं छीट लगन दी, 2 साल भी दाग रहे मुख्यमंत्री, और 2 साल एक CID वाला आ गया करनाल, मीटिंग थी एक दिन पुंडर के पास एक डेरा है,
मैं वहाँ था और वो बड़ा पुराना साथी था मेरा स्टोर में बैठे वहाँ प्रधान जी है कौन है और वो मेरे मुँह का नहीं लिखा हुआ है क्या मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर दूसरी बार जीतेगा मैं कहा भाई पक्का जीतेगा मनोहर मुख्यमंत्री दूसरी बार करनाल से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनया और एमएलए बनया और मुख्यमंत्री बनया और तीसरी बार मैं दावे के साथ कह रहा मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर इतने ईमानदार इतने साक्षर इन्होंने पूरे हरियाणा में आगे एमएलए का काम हुआ पैसा लगाना एमएलए का काम होता है इन्हें बराबर पैसा दिया मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने बराबर पैसा दे रखा अच्छा ये जीत मानते आप इस चीज के मैं तो जीत मान रहा भाई चलो अच्छा चलो भाई देखो यहाँ से इनसे बातचीत करिए काफी जो है ईमानदारी के साथ ये भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं बूथ पे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर एक ईमानदार है इसमें कोई दो नहीं और इसकी ईमानदारी को ये जनता देखेगी जनता ने देखना है भाई एक मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र देकर मुख्यमंत्री थे दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया कितनी बड़ी खास छवि है उसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के अंदर कितनी बड़ी खास छवि है उसने अपना घर भी दान कर दिया भाई ये दान है अच्छा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहोगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता पता क्या कुछ नहीं कहते क्या कहूँ ये कह रहे मुख्यमंत्री अगले आने वाले विधानसभा भाई वो तो आगे समय बताएगा वो तो समय बताएगा जनता बताएगी मैं क्या बताऊंगा वो तो जनता बताएगी चलो भाई मैं भी जो है ओके जी ओके धन्यवाद मैं भी जो है वोट डालने के लिए अंदर जा रहा हूँ फिलहाल ये देखो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा इस तरफ भी देखेंगे ये यहाँ पर जो है पर्ची बना रहे हैं लोगों की बिल्कुल बड़ा अच्छा बोले आप बड़ा शानदार बोले फिलहाल मैं भी वोट डाल के आता हूँ ठीक है तो अंदर तो शायद कैमरा अलाउड नहीं करेंगे हम भी वैसे नहीं दिखाएंगे भाई क्योंकि थोड़ा हाँ जी आया मैं दो मिनट में आया आपके पास हाँ जी एक मिनट में वोट डाला हूँ एक बार चलो ओके वोट दे देखो भाई मैंने वोट डाल दी है यहाँ पर गांव में वोट डाल के आया हूँ मैं और आप सोच रहे हो कि वोट किसकी डाली होगी ये तो बताना नामुमकिन है थोड़ा सा लेकिन मैंने वोट डाल लिया थोड़ा सोच समझ के देश के लिए देश के विकास के लिए युवाओं के रोज़गार के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए और बुज़ुर्गों के प्यार के लिए और अपने लोकतंत्र देश के लिए मैंने वोट डाला है और अखंड भारत की मैं कामना करता हूँ और हमारे देश में सभी लोग तरक्की करें ऐसे मैं कामना करता हूँ सभी पार्टी अपनी ईमानदारी से काम करें लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी जो भी मैं आ जाओ जी आप भी जो भी बायोडाटा पाता है सभी पार्टी में आने के बाद एमएलए से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब जो है जितना रहा आज तक सबसे ज़्यादा घोटाला ही किया सभी क्यों जी अच्छा ये वोट क्या सोच समझ के डाले आपने ठीक डाले जी इन सोच समझ गया अपना अदलती बदलती रहा सरकार अच्छा जी ठीक है अच्छा मतलब बदलाव कर दिया या फिर हाँ जी कर दिया बदलाव कर दिया जी अच्छा देखो मैं खुद गांव में ही हूँ बदलाव कर दिया इसका मतलब आपने मोदी पे वोट नहीं किया नहीं जी अब डरो मत क्यों डर रहे हो आप नहीं डर रहे थे जी नहीं जो आपने किया बता दे बदलाव अच्छा क्या सोच समझ के दिया आपने बदलती सरकार ही बढ़िया रहा है जी अच्छा बदलती सरकार हाँ जी अच्छा क्यों मतलब क्या दिक्कत थी सरकार में कुछ ना कोई दिक्कत नहीं थी अदालती बदलती बढ़िया रहा अच्छा मतलब ये सोचा कि अदालती बदलती रहेगी हां नहीं लेकिन बहुत सारे जो पहले कांग्रेस ने बहुत सारे कार्यकाल लंबे समय तक काम करे काम तो उन्होंने भी करे इन्होंने भी करे है जी ठीक है हां जी राम राम जी राम राम साहब अच्छा वोट डाले वोट डाले अच्छा क्या माहौल लग रहा है किसका क्या भाई हम तो कांग्रेस की गिरका है मोल की जी का ही हो अच्छा देखो अभी कांग्रेस की डाले हम 3500 वोट आए 2400 पोल हो जाएंगे अच्छा जी इसमें 200 ऊपर देखो आप भी मतलब थोड़े से आपकी सेहत का भी वो नहीं है ठीक नहीं है आप भी वोट डालने के लिए पूछे क्या सोच समझ करके आपने वोट डाल लिया हमारा अधिकार है नहीं वो तो अधिकार था क्या सोचा आपने मतलब सोचा भी था कुछ या फिर वैसे ही डाल दिया नहीं सोचा सोच समझ के वोट डालती इंसान वोट डालता है सोच समझ करके अब वही दो ना क्योंकि 5 साल का एक कहूँ आपसे मैं बाबा अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया था वोट डालने का जिस टाइम संविधान बनया जी अगर नेहरू चलती ना बड़े बड़े लोग वोट डालते गरीब आदमी वोट नहीं डालते अच्छा नेहरू की चलती हाँ उसकी नहीं चलती फिर आपने कांग्रेस को वोट दिया कांग्रेस को वोट भाई हरियाणा में अगर बुरा हाल कर खट्टर ने अच्छा खट्टर के खिलाफ दिया है फिर मोदी के खिलाफ ना मोदी के खिलाफ खट्टर हरियाणा वाला चाहिए कांग्रेस अच्छा
अच्छा मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, ऊपर प्रधानमंत्री है। अच्छा फिर लेकिन मोदी के खाते में तो जाएगा ही, जो मोदी के इन्हें तो बुरा हाल कर रखा। अच्छा सियासी लोग खड़े कर रखे इन्हें। अच्छा अच्छा ना भाई कभी कि तेरे पास मैंने 30 पैसे उधार ले दिए, मेरे खाते में फेर दिए, मेरा BPL कार्ड है खाते पे जाने वो कार्ड कट गया। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इस तरह भी बच्चे भी वोट बन की भाई थारे खड़े क्यों भाग रहे हैं? देख बरा देखो वोट तो मैं देख रहा हूँ थारी बनी नहीं है, लेकिन ये खड़े थे भाई देख रहे थे वो कर रहे हैं भाई। क्या कुछ माहौल लग रहा है, क्या कुछ माहौल लग रहा है बताया कुछ हम दूर गुजर रहे कैमरे से। एक मिनट रुक तो जाओ है बीजेपी जीतेगी। ये देखो ये सारे डर गए, ये वो एक भाई यही हुई फिर डर गया इनके साथ साथ में। चलो बच्चे हैं ये भाई अकल के थोड़े कच्चे हैं। तो आपको क्या कुछ लगा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं शूट करी, थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि भाई हमने भी टाइम कट करके वोट दिया है, वोट सबने देना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।